सो जो फेस्टिव सीजन था गाइस वो हो चुका है खत्म, और अब जो गाइस नवंबर या दिसंबर में फोन्स आने वाले हैं वो होने वाले हैं काफी कम सितंबर या अक्टूबर से। सो गाइस आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं यार अपकमिंग स्मार्टफोन इन द मंथ ऑफ नवंबर के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। जो पहला फोन गाइस हमारी लिस्ट में आता है गाइस वो है Honor V30। अब गाइस ये जो फोन होने वाला है ये एक फ्लैगशिप लेवल का फोन होने वाला है, इसमें केरन 990 का प्रोसेसर आएगा। अगर ये फोन नवंबर में लॉन्च हो सकता है, और अगर नवंबर में लॉन्च बाय चांस नहीं होता तो दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। और गाइस इस फोन दिसंबर में इसलिए भी लॉन्च हो बिकॉज गाइस यूएस में हुआवे को बैन कर दिया गया था कुछ रीजंस के लिए, और यूएस बाकी कंट्रीज़ को भी कह रहा था कि इस कंपनी को बैन कर दो, बट फिलहाल इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया इस कंपनी के अगेंस्ट। इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है हुआवे से, इसलिए उसको मना नहीं किया कि भाई तुम अपनी चीज़ इंडिया में मत सेल करो, बट यूएस ने मना कर दिया। सो गाइस नेक्स्ट फ़ोन की ओर बढ़ते हैं यार, जो कि है गाइस मोटो वन हाइपर। अब गाइस मोटो वन हाइपर ये जो नाम है गाइस ये मोटोरोला ने कुछ अलग टाइप्स में रखा, बिकॉज मोटोरोला गाइस अपने फ़ोन्स के नाम अपने कैमराज के हिसाब से रख रहे थे। उनके फ़ोन में अगर कैमरा का जूमिंग बहुत अच्छी है तो मोटो वन जूम, अच्छा माइक्रो लेंस है मोटो वन माइक्रो, वाइड एंगल लेंस है मोटो वन माइक्रो, ओ वाइड एंगल वाइड, तो कुछ ऐसे नाम रखे हैं मोटोरोला ने अपने फ़ोन्स को लॉन्च किया था। बट अगर उस हिसाब से इस फोन को देखा जाए तो इसका नाम होना चाहिए मोटो वन पॉप, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, उनको नहीं पसंद आया होगा नाम तो उन्होंने रख दिया मोटो वन हाइपर। अब गाइस ये जो फोन होने वाला है इसका ग्लोबल लॉन्च होगा ब्राज़ील के अंदर, और गाइस जिस स्पीड से मोटोरोला इंडिया में अपने फोन ला रहा है हमें लगता है कि गाइस ग्लोबल लॉन्च खत्म हुआ उसके एक दो दिन बाद इंडिया में अपना मोटोरोला फ़ोन लॉन्च कर देगी, विच इज़ गुड। मोटोरोला आजकल फोन बिक भी रहे हैं और कंपनी अच्छी जा रही है। पहले नाम था उनका जब फोन वो फ्लिप वाले फ्लिपेबल फ़ोन से होते थे छोटे छोटे मतलब इतने साइज़ वाले, तब मोटोरोला एक अच्छा ब्रांड था। अब धीरे धीरे मोटोरोला भी आगे जा रहा है विच इज़ आई थिंक गुड। अब गाइस अगर अगले फ़ोन की बात कर ली जाए विच इज़ रेडमी नोट 8T। रेडमी नोट 8 आया था और 8 प्रो आया था, उसके बीच को होने वाला है ये फ़ोन, जो उसका प्राइस है वो इन दोनों के बीच में होने वाला है, मतलब 13-14 या 12-13 thousand रुपीज़ का ये फ़ोन होने वाला है। काफ़ी सिमिलर रेडमी नोट 8 से दिखेगा, बस थोड़ी सी ग्रेडियंट बैक फिनिश होगी और थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे। और एक और बात बता दूँ मैं आपको यार, ये फ़ोन पहले चाइना में लॉन्च होएगा देन इंडिया में आएगा, और ये फ़ोन नवंबर में आ सकता है, श्योर नहीं है, बता दूँ श्योर नहीं है। अगला फ़ोन जो कैसे हमारी लिस्ट में आ जाता है गाइस वो फ़ोन नहीं है, दैट्स अ सीरीज विच इज़ नोन एज पोको सीरीज। और अगर आपने नाम नहीं सुना तो आप मोबाइल या जो टेक्नोलॉजी है इससे थोड़ा सा दूर रह रहे हो, बिकॉज पोको जो कंपनी मतलब बाय शाओमी की कंपनी थी ये पोको गाइज, ये एक बहुत सक्सेस कंपनी गई अभी तक, मतलब नाम जो था वो बहुत अच्छा गया, बिकॉज पोको F1 एक बजट सेगमेंट का फ़ोन था जिसके अंदर फीचर्स एक अच्छे लेवल के थे। इसमें फास्ट चार्जिंग थी, एक 845 स्नैपड्रैगन विच इज़ गुड फॉर गेमिंग, मतलब जितने भी लोग गेमिंग करते हैं उनको ये प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया लगता है। 845 प्रोसेसर था वो बहुत अच्छा प्रोसेसर है और था, दोनों रहेगा, बिकॉज जो गेमिंग उस फ़ोन के अंदर है भाई वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल लैग फ्री गेमिंग होने वाली है। और जो प्राइस था वो अच्छा था, और जो उनका टॉप मॉडल था वो तो बस क्या कहूँ बहुत ही बढ़िया था, इसलिए पोको F2 के लिए सब लोग वेट कर रहे थे, लेकिन कोई भी लीक्स नहीं आ रही कि F2 आने वाला है, इसलिए कहा गया अब आएगी पोको F2 सीरीज। अब सीरीज के अंदर गई जैसे पोको सीरीज मतलब पोको F1 आ गया, पोको F2 हो गया, पोको FA, FB, मतलब जो भी पोको का नाम लगने वाले हैं। और बता दूँगा जो फ़ोन है ये बजट सेगमेंट के अंदर ही आएंगे बिकॉज पोको है, और जो फ़ोन होने वाले हैं गाइस इनके अंदर स्नैपड्रैगन होगा वो 7 सीरीज का आएगा, मतलब 730, 710, 730G ऐसे एक फ़ोन नहीं 3-4 फोन लॉन्च करेगी पोको नवंबर के अंदर, कर सकती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला फ़ोन गाइस अगर हमारी लिस्ट की और जो है गाइस वो है MICC 9 Pro।
अब गाइस जो MI CC9 था वो इंडिया के अंदर आया था MI A3, तो MI CC9 Pro जो आएगा वो आएगा MI A3 Pro, जो फिलहाल जब आप वीडियो देख लोगे तो गाइस चाइना में वो फ़ोन हो चुका होगा लॉन्च। और एक और बात बता दूँगा आपको, ये जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा होने वाला है यार, और आएगा इंडिया के अंदर, कब तक आएगा हम वो शायद 3rd या 4th week of November में लॉन्च हो जाए ये फ़ोन। अगला फ़ोन जो गाइस वो है यार मी मिक्स 4 या मी नोट 10। अब गाइस ये जो फ़ोन होने वाला है इसमें गाइस ये इंडिया में फ़ोन नहीं आएगा। अगर आप लोगों को फ़ोन परचेज करना है तो आप इसको बैंगोड या gearbest.com जो भी वेबसाइट्स हैं यार जो चाइना से इंडिया माल इंपोर्ट करती हैं आप उन्हें कह सकते हैं, बिकॉज गाइस जो सीरीज़ है वो इंडिया में इतनी अच्छी नहीं गई थी MI की, जब उन्हें लॉन्च की थी तो इतने परचेजेस नहीं हुए थे इस फ़ोन के। वैसे फ़ोन तो अच्छा है और मैंने इस लिस्ट में इसको इसलिए लाया बिकॉज कि कुछ फ़ोन जो कुछ लोग हैं वो बाहर से फ़ोन मंगाते हैं तो वो लोग इजीली इस फ़ोन को मंगा पाए। नेक्स्ट गाइस अब सारे फ़ोन से आ सकते हैं अब वो फ़ोन हैं जो आएंगे, और गाइस शुरुआत कर लेते हैं रियलमी से, बिकॉज रियलमी X2 Pro। अब गाइस जो Realme का फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आने बिकॉज इसके अंदर प्रोसेसर जो होने वाला है गाइस वो है 855 प्लस, और गाइस बेस्ट बात जो मेरे को इस फ़ोन के अंदर लगी चार्जिंग गाइस वो आने वाली है 50 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश डिस्प्ले। तो ये जो फ़ोन होने वाला है ये जो OnePlus के 770 सीरीज़ है उसके बराबर का फ़ोन आएगा, लेकिन गाइस लॉन्च कर रही है Realme, प्राइस होगा बजट के अंदर तो हर बंदा यार 25-24,000 का अगर ये फ़ोन लॉन्च हो जाता है देन तो Realme की सबसे ज़्यादा आगे सेल होने वाली है इसी फ़ोन के बारे में। अब गाइस ये फ़ोन आएगा 20th November को, और साथ साथ बता दूँ इसके साथ एक और फ़ोन Realme लॉन्च करेगी विच इज़ Realme 5i या Realme 5s। जैसे 3 Pro के बीच में 3i आया था गाइस, वैसे ये वाला फ़ोन होएगा 5i या 5s, जो 5 और 5 Pro के बीच में आएगा, प्राइस इन दोनों के बीच में होगा, जो फीचर्स होंगे वो भी एक बजट सेगमेंट के फ़ोन के होंगे। और बता दो गाइस Realme के फ़ोन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है कैमरा प्रोसेसिंग, और मतलब फ़ोन में गाइस पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज़ करती है Realme। और वैसे बता दूँगा जो Realme अपने फ़ोन बनाती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, पहला उन्होंने फ़ोन Realme X ट्राई किया था जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी थी, ऑफ कोर्स ड्रॉप टेस्ट में फेल हो गया था, लेकिन गाइस जब उन्होंने अपना क्या बोलते हैं Realme XT निकाला तब उन्होंने कहा लोग ग्लास बैक मांगते हैं हम ग्लास बैक देंगे, लेकिन उस फ़ोन को इतना सॉलिड बनाया कि ड्रॉप टेस्ट करने के बावजूद भी फ़ोन नहीं टूटा, मतलब ग्लास आगे पीछे सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं टूटा विच इज़ गुड, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, मतलब ये फीचर्स तो अच्छे भी हैं, प्राइस के अंदर भी आता फ़ोन सॉलिड भी है, तो भाई Realme इज़ गोइंग गुड। मतलब अभी तक ऐसी जो कंपनी है गई मतलब ज़्यादा मंथ्स भी लॉन्च हुए नहीं है, 17 से 18 उनको महीने होते हैं कि उन्होंने हर महीने के उसमें एक फ़ोन निकाला है विच इज़ गुड। और इनके जो अगर सब्सक्राइबर्स की बात करूँ मतलब कितने लोगों ने उनका फ़ोन निकाला, ऑल ओवर द वर्ल्ड 7 मिलियन या 17 मिलियन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट इनके लोग हैं जो फ़ोन एक्टिव हैं, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे बहुत भी हैं जो फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे, खरीद लिया यूज़ कर लिया अब छोड़ दिया अब चेंज कर लिया आएगा, या उन लोगों से जाके पूछो क्या करने वाले। सो गाइस अगर नेक्स्ट फ़ोन की बात करें जो कन्फर्म है गाइस वो आएगा वीवो की तरफ से एक बजट फ़ोन। अब गाइस जो वीवो की एस सीरीज़ है उसके फ़ोन वीवो दूसरी कंट्रीज में लॉन्च कर रहा है, इंडिया में नहीं कर रहा पता नहीं क्यों, बट नवंबर में गाइस कन्फर्म है कि वीवो का एक मिड रेंज का फ़ोन आने वाला है। गाइस अगर आपने पूरी लिस्ट देख ली तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा भाई कि नवंबर में गाइस बहुत कम फोन्स कन्फर्म्ड है कि आएंगे, और बहुत सारे ऐसे आ सकते हैं, बस आ सकते हैं ये नहीं कि नहीं आएंगे आ सकते हैं, और सिर्फ गिने चुने 2-3 फोन्स हैं जिनकी कन्फर्म्ड है कि आने वाले हैं, क्योंकि गाइस जो भी फ़ोन नवंबर दिसंबर में लॉन्च होने थे वो सितंबर अक्टूबर में हो गए बिकॉज फेस्टिव सीजन था भाई, फेस्टिव सीजन दिवाली बड़े सेल्स लोग तभी फ़ोन परचेज करते हैं, तो कंपनीज को लगा हम इंडिया में पुश करके फटाफट फोन निकालेंगे। तो गाइस आज के लिस्ट के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकती है दिसंबर के आपको स्मार्टफोन्स। वॉचिंग द वीडियो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।